स्त्री के इस अंग को देख लो, वासना उतर जाएगी। मेरे भाई, अगर आप ब्रह्मचर्य के लिए सीरियसली होना, आप सच में दिल से चाहते हो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, ठीक है ना, आप चाहते हो कि आपका ब्रह्मचर्य बीच बीच में ना टूट जाए, 5-10 दिनों के भीतर ही वो लंबे समय तक चले, आप चाहते हो कि मैं उस हस्त मैथुन के दलदल से निकलूं, मुझे ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स मिले, तो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना मेरे भाई, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय युवाओं के दिमाग में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है और हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्त, 5-10 साल से अगर कोई पॉर्न देख रहा है, कोई गंदे वीडियोस देख रहा है ना, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, औरतों के प्रति इतनी नकारात्मकता आ गई है ना हमारे दिमाग में। ये जो हमारा मंकी माइंड है ना, आज इधर इमेजिनेशन करता है, कल इधर इमेजिनेशन करता है, कल यहां लड़की देखी इधर इमेजिनेशन करेगा, परसों उधर करेगा, ये कूदता ही रहता है इधर उधर, इसको रोज कुछ नया चाहिए। समझ रहे हो बात को? क्योंकि हमने जो वीडियोस देख रखे हैं, वो जो गंदे जो खूसड़ वीडियो हमने देख रखे हैं ना मेरे भाई, उसमें कहीं ना कहीं एक औरत को वस्तु की चीज बताया गया, यानी वस्तु जिसका इस्तेमाल करो और फेंक दो। मेरी बात को अच्छे से समझना मेरे भाई, ठीक है ना। आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में, एक औरत को सिर्फ एक वस्तु बताया गया है कि बस इसका उपयोग करो और फेंक दो, और कहीं ना कहीं हमारे माइंड ने इसको पकड़ लिया है। समझ रहे हो बात को? इसलिए ये हमारा मंकी माइंड ना चाह करता है। जैसे कोई पॉर्न देखने वाला व्यक्ति एक देखेगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आएगा, ये इतना है तो इसमें आगे और क्या क्या होगा, सर्च करने लगता है। ऐसे दिमाग में भी होता है, एक के साथ इमेजिनेशन हो गया, अब मैं हस्त मैथुन नहीं करूंगा, लेकिन किसी को देख लेगा तुरंत तो उसके प्रति जो है एक वासना झलकने लग जाएगी दिमाग में कि नहीं यार अब नहीं, लेकिन वो हस्त मैथुन फिर कर बैठता है। समझ रहे हो बात को मेरी? तो इसको कैसे दूर करें? दोस्त, पूरी ईमानदारी से आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो औरतों के प्रति ना नकारात्मकता नहीं रखनी है हमें, औरतों के प्रति कोई गुस्सा या नकारात्मकता हमें नहीं रखनी है दोस्त, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, बस हम एक दलदल में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकला जा सकता है 100%, बस मजबूती के साथ हमें निकलना होगा। क्या करना होगा उसके लिए? देखिए, ब्रह्मचर्य में एक नियम है, हर औरत को हर लड़की को माता या बहन की तरह देखना, ठीक है मेरे भाई। अब आप कहेंगे अरे भाई रटी रटाई बातें यार, सबको माँ बहनों की नजर से देखो, हम नहीं देख पाते, बंद करके भाग जाएंगे। सबसे बड़ी आप गलती आप यही करते हो, आप भागने की कोशिश करते हो। अब ध्यान से समझना, कोई बहुत से भाई कहते हैं भाई हम रास्ते में जाते हैं, कोई लड़की दिख जाती है ना तो मन में विचार आने लगते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उस समय तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तो तुम्हें रास्ते में जब भी लड़की दिख जाए ना तो उसके पैरों की ओर देखने लगो, उसके चरणों की ओर देखने लग जाया करो। हाँ मेरे भाई, ठीक है ना, उसके चरणों की ओर देखो और सीधा भाई अपने मन में हृदय से, भैया इस मोह माया से मुझे दूर रहना है, मैं देवी जी को प्रणाम करता हूं, मैं सबको देवी जी, भैया जितने भी हैं देवी जी, कोई बाहर की लड़की देख ली देवी जी, मैं इन देवी जी को प्रणाम करता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नहीं कहता कि आप किसी को अपनी बहन मानिए, और इंसान मान भी नहीं पाता है, मत मानिए, लेकिन वो एक औरत एक जननी है, हमारा जन्म भी एक औरत से ही हुआ है मेरे भाई, हमें नहीं पता सामने वाली औरत कैसी है, किस उसका आचरण क्या है, वो कैसी है कैसी नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे मन में पवित्रता होनी चाहिए, जब हम पवित्रता को धारण करेंगे मेरे भाई, तब ही धीरे धीरे बदलाव आएंगे। आप सोचो कि कोई जड़ी बूटी मुझे मिल जाए और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाऊं, ऐसा नहीं होता है। इतने सालों से गंदगी पाली है, विचारों से ही बर्बाद हुए हो, अब विचारों से ही आबाद होगे। बात को मेरी समझना मेरे भाई, गंभीरता से समझना, ठीक है ना। किसी भी लड़की को आप देखते हैं तो उसके जो चरण है उसकी ओर देख के कि ये एक जननी है, मैं इसका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और मैं इन मोह माया से मुक्त हूं, इस शरीर से मैं मुक्त हूं, मैं इसके शरीर की ओर आकर्षित नहीं होऊंगा, मैं प्रणाम करता हूं इन्हें, ठीक है, इन देवी जी को मैं प्रणाम करता हूं और इनसे दूर हूं, मैं भला और मेरा ब्रह्मचर्य भला, मैं तो सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूं। ये आपको मजबूती के साथ अपने दिमाग में बात बैठानी है मेरे भाई, ठीक है ना। बात को समझ रहे हैं? आप सिर्फ ब्रह्मचर्य के हैं, आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ ब्रह्मचर्य के हैं, आप अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होने देंगे, ठीक है मेरे भाई, समझ गए अच्छे से? तो ये चीज ध्यान रखो, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। पवित्र सोच होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, जब विचार पवित्र होने लगेंगे धीरे 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 धीरे, महीना बीतेगा, 2 महीना 3 महीना, आप पाओगे कि यार सकारात्मकता आ गई है आपके आसपास। समझ रहे हो मेरे भाई? तो इसको पालन करो, रटो ब्रह्मचर्य परम बलम, सच्चाई को स्वीकार करो मेरे भाई, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।